करने के लिए उनको संसद नहीं भेजा गया है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है, उसी अभिभाषण में आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इनको स्थगन चाहिए, जिद चाहिए, नाक की लड़ाई है। थर्ड डिवीजन से पास किए हैं राहुल गांधी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट डिवीजन वाले को चुनौती दे रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी 5 साल तक प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, स्पीकर 5 साल तक हैं, उनसे मिलकर ही चलना होगा, लेकिन जिस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर हेमंत सोरेन को आज बेल में भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो साजिश रची थी वो साजिश काम है। अरे ये अदालत का मामला है, अदालत ने बेल दे दिया, उसमें हम क्या बोलेंगे। राजनीतिक प्रतिशोध लिया था आप लोगों ने, उनको फंसाने का प्रयास किया था, किसने ट्वीट किया? वो तो यही ट्वीट करेंगे, उनकी टीम यही ट्वीट करवाएगी उनसे कि जब केस ख़त्म नहीं हो गया ना, बरी नहीं हो गए ना, अभी तो बेल ही मिला है ना, तेजस्वी जी को भी बेल मिला है, सोरेन जी को भी मिला है, इसमें इतना ज़्यादा खुश होने की क्या ज़रूरत है, मुकदमा तो चलेगा। अश्विनी चौबे ने कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भाजपा नेतृत्व करे और मुख्यमंत्री का जो चेहरा वो केंद्रीय नेतृत्व है, अभी से ये फैसला ना लिया जाए। आई डी डोंट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, चुनाव भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। नीतीश कुमार जी बिहार के आर्किटेक्ट हैं, बिहार का पुनर्निर्माण उन्होंने किया है और वो करते रहेंगे। चट्टानी एकता के साथ बीजेपी जेडीयू साथ है, बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो तारतम्य बैठा है, जो दोस्ती है, उसको किसी की नज़र न लगे। कि पार्टी में आर्थिक मार नहीं चलेगा, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी उन्होंने बयान दे दिया है। भाई केंद्रीय नेतृत्व ने ही सारे निर्णय किए हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और बिहार में भी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने लोकसभा के चुनाव में भी करीब 75% सीट हम लोगों ने जीती है, तो हम लोग जीतते अभी भी बहुत बढ़िया मेहनत किया है सम्राट चौधरी जी ने। राजद के नेताओं के मुंह से अपराध पर बोलना शोभा नहीं देता, शांत रहें वो अच्छा रहेगा। केंद्र सरकार जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सही समय पे सही निर्णय होगा। जो लोग नीट के बारे में जिस तरह की बात कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए, उनसे विपक्ष के लोगों से ज़्यादा चिंता सरकार को है और बच्चों की चिंता करना हमारा फर्ज है, धर्म है।